थाईलैंड सरकार के साथ हुए वेबिनार के बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब बड़े गर्व की बात है कि थाईलैंड की सरकार ने हरियाणा के साथ वेबिनार किया है। हरियाणा में हमने कैसे कोविड को नियंत्रण किया, इसको लेकर चर्चा की गई। विज ने कहा कि हरियाणा ने कोविड को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, इसको लेकर जानकारी दी। कोविड को लेकर क्या प्रयास डॉक्टर्स ने किए हैं, कैसे अपनी वैक्सीन की कैपेसिटी को बढ़ाया, तमाम बातों को वेबिनार में रखा गया। हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया, किस प्रकार से हमने वैक्सीनेशन की और 1,40,00,000 लोगों तक हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। ये लगभग 1:30 बजे से 5 बजे तक लंबा सेमिनार हुआ है। इसमें थाईलैंड के पूर्व उप प्रधानमंत्री सुवित खुनखिची और थाईलैंड के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर साथित पितुतेचा और खोनखैन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर छान छाई, इन्होंने अपने अपने विचार। और कांगड़ा के एक दिवसीय दौरे पर शाहपुर विधानसभा के तहत आते गगल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि अफगानिस्तान में हिमाचल के 2 लोगों के फंसे होने की सूचना है, जिसमें से एक व्यक्ति की वापसी के लिए जो प्रयास है उसके बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंच गए, जबकि दूसरे व्यक्ति के बारे में भी पता किया जा रहा है। इसके अलावा कहा कि अफगानिस्तान में बदले हालात के बाद वहाँ फंसे इन 2 लोगों के परिजनों ने उनसे संपर्क कर दोनों की वापसी की बात रखी थी, जिसे लेकर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सामने उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी को लेकर केंद्र सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये दोनों लोग भी सकुशल वापस हिमाचल लौटेंगे। और करनाल के इंद्री के गांव हंसू माजरा में किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक और किसान मोर्चा के नेता गांव में कार्यक्रम कर रहे थे, जिसकी जानकारी तब किसानों को लगी तो किसान उस जगह पर आ गए जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता कार्यक्रम को कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम खत्म हुआ तो उनके काफिले के आगे आकर किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है सरकार के मंत्री और विधायकों को कार्यक्रम के लिए मना किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यक्रम कर रहे हैं, इसीलिए उनकी गाड़ी के आगे काले झंडे दिखाए विरोध किया गया। साथ ही कहा कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक इनका प्रदर्शन इसी तरह से रहेगा जारी। इंद्री के गांव हंसू माजरा और चुगामा में किसान विरोधी भाजपा विधायक रामकुमार कश्यप, भारतीय किसान यूनियन चिडुन्नी के पदाधिकारियों ने और किसानों ने वहां उनका जमकर विरोध किया और भाजपा विधायक रामकुमार कश्यप को गांव के अंदर ही 2 से 2.5 घंटे गांव के अंदर बंधक बना के रखा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हालात काफी खराब हैं। भारत में पढ़ने के लिए आए लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। इन लोगों के वीजा की अवधि खत्म होने को है। आपको बता दें हरियाणा के करनाल में अफगानिस्तान के रहने वाले कुछ युवक पढ़ाई कर रहे हैं। अफगानिस्तान के हालातों को देखते हुए वीजा की अवधि बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिससे कुछ सुकून के पल स्टूडेंट यहां पर बिता सके, क्योंकि वहां पर डर और भय का माहौल है, इसीलिए वापस कोई लौटना नहीं चाहता। के 2021 चल रहा है, जैसे तालिबान पहली बार 1996 में काबुल आए थे, आज के काबुल और पुराने काबुल में बहुत डिफरेंस है। तब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और आजकल ऐसा है कि काबुल का सिटी इस्टेब्लिश्ड है और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, प्रेम दई इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, वहाँ पे इस्टेब्लिश गवर्नमेंट थी, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। ये जो गवर्नमेंट का चेंज ओवर हुआ है, टेक ओवर हुआ है, हमारी एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी थी भी नहीं, सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली हुआ। यह कि गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज तक आपने जो हमें सपोर्ट किया है आप इसको कंटिन्यू कीजिए। स्पेशली हम जो अभी यहाँ स्टूडेंट्स के स्टेटस में यहाँ पर आए हैं,
जिन अफगान स्टूडेंट्स का वीज़ा एक्सपायर हो गया है, एजुकेशनल स्टडीज़ उनकी कंप्लीट हो चुकी हैं और वो रिसेंटली जाने ही वाले थे, अब अनसिक्योर कंडीशंस की वजह से उनको जाते हुए भी डर लग रहा है, तो आप एक कृपा कीजिए कि आप इनको वीज़ा एक्सटेंशन दे दें जब तक हालात क्लियर नहीं होते। मास्टर मोहनलाल पूर्व मंत्री अनिल जोशी को मनाने के लिए पहुंचे, लेकिन अनिल जोशी के नहीं मिलने पर निराश होकर ही मास्टर मोहनलाल वापस लौट आए। मोहनलाल ने कहा कि दोबारा अनिल जोशी को पार्टी में ला सकते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाए। जब वो अनिल जोशी से मिलेंगे तो उन्हें विश्वास है कि वो पार्टी में वापस आ जाएंगे। कुरुक्षेत्र में अन्न उत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में 150 लाभार्थियों को राशन बांटा गया, जिसमें 5 किलो प्रति सदस्य गेहूं दिया गया। कुरुक्षेत्र में 5,21,953 लाभार्थियों को योजना का फायदा मिलेगा। इसी को लेकर सांसद नायब सैनी और थानेसर विधायक सुभाष सुधा भी कार्यक्रम में पहुंचे। किसानों के विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हरियाणा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग की ओर से 2 दिवसीय राशन डिपो स्थलों पर अन्नपूर्णा उत्सव मनाया गया। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में यमुनानगर में भी अन्नपूर्णा उत्सव मनाया गया, जहां पर इस कार्यक्रम में डीसी गिरीश अरोड़ा, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मुख्य अतिथि थे। आपको बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार की इस योजना का लोगों ने स्वागत करते हुए कहा कि यह सरकार की अच्छी योजना है। वहीं डिपो होल्डर ने बताया कि यमुनानगर के सभी 600 डिपो पर यह अनाज वितरित किया जा रहा है। और करनाल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 18 और 19 अगस्त को पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से अन्नपूर्णा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। करनाल में भी जिला उपायुक्त ने जरूरतमंद लोगों को राशन किट बांटकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त ने अन्नपूर्णा उत्सव के दौरान राशन डिपो पर कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य के हिसाब से बांटा है। इस योजना के तहत हर एक राशन डिपो पर कार्ड धारकों को परिवार के हर एक सदस्य के हिसाब से 5 किलोग्राम गेहूं मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। और खबर हरियाणा के यमुनानगर से, जहां पर बीच सड़क पर एक युवक पर कई युवकों ने लाठी डंडों और सड़क पर जमकर उसकी पिटाई की। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब युवक को पीटा गया, और तब तक पीटा गया जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। गुंडागर्दी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस मामले में हमीदा चौकी पुलिस ने युवक पर हमला कर रहे इन लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि बताया जा रहा कि कुछ लोग फरार हैं, जिनकी पुलिस गिरफ्तारी जल्द से जल्द करेगी, लेकिन बेरहमी से इस युवक को किस तरह से पीटा जा रहा है। अमृतसर में शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का किला लाहौर पाकिस्तान में मूर्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त और अपवित्र किया गया। अमृतसर के जिला बीजेपी अध्यक्ष सुरेश महाजन ने मीडिया से कहा कि बीजेपी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाने की कड़ी निंदा की और विरोध किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से माफी मांगने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कहा कि मूर्ति को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे पूरे सिख समुदाय में गुस्सा है, आक्रोश है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक कट्टरपंथी धर्म के कार्यकर्ताओं की ओर से पहले भी 2 बार प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। अमृतसर के बटाला रोड पर घर में बिजली का काम करने वाले युवक की अचानक करंट लगने से मौत हो गई। घर में युवक बिजली का काम कर रहा था। लोगों का कहना है कि काम करते समय अचानक से उसका हाथ करंट वाली तार पर लग गया, जिसके चलते उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन मौके पर ही युवक की मौत हो गई। इस मामले पर इलेक्ट्रिशियन के साथी का कहना है कि उनके घर पर करंट लगने से मौत हुई।
तो इसकी मौत की जिम्मेदारी घर वालों की बनती है, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।